morning everyone. Today we will do revision of chapter 8. Yesterday we did the perimeter part and the area part. Today we are continuing with the exercise only. So our first question is, length is 12 cm, breadth hamein find karni hai and the given area is 120 square centimeter. Jab aapko area ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर मेंशन नहीं है तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है या एरिया ऑफ स्क्वायर? अगर लेंथ और ब्रेथ है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की. किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टेंगल की. तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो हमें साफ पता लग रहा है कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं. तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट आई विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ. हियर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 120, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है. अब आपको ब्रेथ हमें फाइंड करनी है. यहाँ पे ब्रेथ फाइंड करने के लिए इस 12 को मैं इधर लेकर आऊंगी. क्या करूंगी, मैं इस 12 को इधर लेकर आऊंगी. तो 120 में जब मैं 12 को इधर लेकर आऊंगी, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. तो जब मैं इसको इक्वल टू के पास लेकर आऊंगी, इक्वल टू के नेक्स्ट लेकर आऊंगी, इट विल परफॉर्म डिवाइड. ये एक रूल है कि अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस कर रही है तो यहाँ पे आके माइनस करेगी, अगर यहाँ पे माइनस कर रही है तो प्लस करेगी, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है यहाँ पे डिवाइड का होगा, अगर यहाँ पे डिवाइड का है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का होगा. तो मैंने देखा यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी. 120 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू बी. तो जब मैं 120 को 12 से डिवाइड करूंगी मेरे पास आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर. दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट के मार्क्स होते हैं. जब आपको लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो ब्रेथ भी हमारी सेंटीमीटर में आई है. अब एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है क्योंकि हम एरिया में स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन लेंथ ब्रेथ या साइड में तो नहीं लगाते ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला स्क्वायर नहीं लगाया है. मैंने सिंपल यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है. सेम वे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था. क्वेश्चन इज एरिया है हमारा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया कितना है हमारा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर और हमें साइड फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है? साइड को फाइंड करना है. तो अब मैं क्या करूंगी, एरिया अब देखो साइड गिवन है, इसका मतलब बात किसकी हो रही है, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? एरिया ऑफ स्क्वायर. यहाँ पे जब लेंथ और ब्रेथ गिवन थी तो हमें साफ समझ आया कि यहाँ पे बात एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हो रही है. जब यहाँ पे साइड दी हुई है तो मैंने ऑटोमेटिकली पता कर लिया कि यहाँ पे बात एरिया ऑफ स्क्वायर की हो रही है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड. और एरिया हमें 81 दिया हुआ है तो कौन से दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है? कौन से दो नंबर होते हैं? 9 × 9. तो ऑटोमेटिकली मेरी साइड कितने सेंटीमीटर की आ गई? 9 सेंटीमीटर की. जब मैंने देखा कि यहाँ पे एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है और साइड फाइंड करनी है, इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड मल्टीप्लाई बाय साइड तो कौन से दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है? 9 को. तो ऑटोमेटिकली मेरी साइड कितने सेंटीमीटर की हो गई? 9 सेंटीमीटर की. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि लेंथ दी हुई है और विड्थ दी हुई है 3 times स्मॉलर है. द क्वेश्चन इज इफ द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज 3 times स्मॉलर ऑफ द लेंथ, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मुझे लेंथ इनटू या तो विड्थ बोल लो या ब्रेथ बोल लो, बात एक ही है. या तो विड्थ गिवन होगी या ब्रेथ गिवन होगी. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इन
लेंथ तो मुझे पता है, पर मुझे ये भी तो निकालना है ना, और ये मैं कैसे निकालूंगी? क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 times स्मॉलर है किसके? लेंथ के। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पास एक बच्चा है प्रियांश नाम का, प्रियांश के पास तो है 20 chocolates और आपके पास उसकी 4 times कम है, आपके पास उसकी 4 times कम है, तो आप क्या करोगे? 20 को 4 से डिवाइड कर दोगे। तो सेम वे जब लेंथ इतनी है और विड्थ 3 times स्मॉलर है, तो विड्थ निकालने के लिए आप 12 को 3 से डिवाइड कर दोगे। तो विड्थ निकालने के लिए मैं लेंथ को डिवाइड करूंगी विड्थ से और मेरे पास आएगी 4 centimeter। कितना आएगी? 4 centimeter। और अब जब मेरे पास लेंथ भी है विड्थ भी है, तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लूंगी। द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 12, और हमने जब ये फाइंड कर लिया 4, तो मेरे पास आंसर आया 48 centimeter। एक और वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 square centimeter। एक स्क्वायर का एरिया है 25 centimeter। कितना है? 25। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ 5 such square। जब एक स्क्वायर का एरिया 25 है तो 5 squares का कितना होगा? ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर का एरिया 25 है तो 5 squares के एरिया के लिए क्या करेंगे? एक चॉकलेट की प्राइस 25 rupees है तो 5 chocolates की प्राइस क्या होगी? आप मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही जब एक स्क्वायर का एरिया इतना है तो 5 square का एरिया कितना होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सेम वे एक और वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 8.2 की ही। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, अब एक स्क्वायर का एरिया है 2 square centimeter। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ 20 such square। जब एक स्क्वायर का एरिया इतना है तो 20 squares का कितना होगा? अगेन आप क्या करोगे? 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन और है। यहाँ पे हमने पहले एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता है। अब हम पता करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या पता करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया और स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कैसे है देखो, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर को मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया, तो एक ट्राइंगल तो ये बन गया और एक ट्राइंगल मेरा ये बन गया। सेम वे अगर मैं रेक्टेंगल बना रही हूं, ये मेरा रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को भी अगर मैं हाफ में कर दूं तो एक ट्राइंगल मेरा ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा। तो अगर क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है तो आप फॉर्मूला लिखोगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और अगर क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है तो आप फॉर्मूले में लिखोगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा बेस हमारा है 4 centimeter, हाइट है हमारी 2 centimeter, तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो इसका मतलब बात हो रही है रेक्टेंगल की। अगर बात स्क्वायर की होती तो यहाँ पे साइड गिवन होती। क्या गिवन होती? साइड। लेकिन यहाँ पे बेस गिवन है और हाइट गिवन है, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? रेक्टेंगल की हो रही है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि फॉर्मूले में एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए।
चाहिए ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं फाइंड कर लूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी ऊपर लिखा है हाफ ऑफ रेक्टेंगल, अगर यहाँ पे साइड गिवन होती तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते और यहाँ पे मैं लिख देती एरिया ऑफ स्क्वायर, बट यहाँ पे बेस और हाइट दी हुई है तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला और मैंने फॉर्मूले में भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही लिखा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 8 का हाफ यानी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करेंगे वॉल्यूम। ये तो बात हो गई एरिया की, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलती है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, इसका मतलब बात किसकी हो रही है, क्यूबॉइड की। क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड किससे मिलकर बनता है, रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, और क्यूब किससे मिलकर बनता है, क्यूब हमारा स्क्वायर से मिलकर बनता है। तो अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है इसका मतलब क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4s are 20, 20 3s are 60 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे हम एरिया में स्क्वायर लगाते हैं, जैसे हम एरिया में स्क्वायर लगाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने यहाँ पे नहीं लगाया, जैसे हम एरिया में स्क्वायर लगाते हैं ऐसे ही वॉल्यूम में हम क्यूब लगाते हैं। आपको एरिया ऐसे दिया हुआ था ना यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो आप ऐसे लिख दो 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप ऐसे लिख सकते हो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, और ऐसे ही या तो आप इसको 60 सेंटीमीटर क्यूब लिख दो या फिर आप 60 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो, बात एक ही है। तो अभी हमने, कल हमने पेरीमीटर पढ़ा था, थोड़ा सा एरिया पड़ा था, आज हमने एरिया पूरा खत्म कर लिया है, वॉल्यूम को स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, या फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में हम वॉल्यूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।